बाय एयर वडोदरा टू श्रीनगर पहुंचे। करीब 3 घंटे का रास्ता था। अब हम श्रीनगर एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। टैक्सी स्टैंड से टैक्सी हायर करके हम 20 मिनट का हमारा होटल तक का रास्ता था, तो बीच में हमें ये एक साइड दाल सरोवर दिख रहा है और दूसरी साइड पे श्रीनगर का मुख्यालय और पासपोर्ट ऑफिस दिख रही है। श्रीनगर के पासपोर्ट ऑफिस के बाजू में ही हमारा होटल था। पहाड़ों के बीच में आदि शंकराचार्य जी का टेंपल हमें यहाँ पे दिख रहा है और ये कश्मीरी गुलाब भी बहुत अच्छे होटल में हुए थे। चारों तरफ होटल में इतने सारे गुलाब थे कि जैसे लगता है कि गुलाबों से हमारा स्वागत किया हो। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। शिकारा की साइड में हमें ये फ्लोटिंग मार्केट दिख रहा है। उसमें बहुत सारी कश्मीरी ड्रेसेस, शॉल, ड्राई फ्रूट्स और केसर की दुकानें थी। जो कमल का फूल है वो है कि नहीं? कमल नहीं, ये वाटर लिली। वाटर लिली और भी सीरीज सुबह के लिए शॉप पे चले। कमल का लोटस है ना, तो लोटस क्या हो गया दूसरा? हां, कमल का लोटस हो गया। उसका तो अभी हल्का हल्का पता है, उसके नीचे रहता है सब्जी कमल काकड़ी जिसको बोलते हैं, इसका पीकल बनता है, तो वो अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। If there is heaven on earth, it's here, it's here, it's here. जन्नत कश्मीर। कश्मीर की खूबसूरती के बारे में मैं आपसे क्या बोलूं? जन्नत है जन्नत। शिकारा राइड के लिए गवर्नमेंट की भी बुकिंग ऑफिस रहती है, तो वहाँ से हमने एक शिकारा हायर किया। बहुत ही सुकून वाली जगह है। तो दाल लेक दिखने में हमें करीबन 3 से 4 घंटे का टाइम लगा और वहाँ पे हमने मीना बाज़ार, बोट सर्फिंग, रोज़ गार्डन वो सब देखा। और अब रात हो गई है, तो अब हम हमारे हाउस बोट पर जा रहे हैं। हमने 1 नाइट के लिए हाउस बोट बुक करी थी। माउंटेन पे जो लाइटिंग दिख रही है वो आर्मी के एक कैंप है। अब हम हमारे हाउस बोट पे आ गए हैं। डाल लेक में अलग अलग लोकेशन पे हाउस बोट में रहने के लिए अलग अलग पर नाइट का रेट है। 1500 से स्टार्ट होके 6 से 7 हज़ार तक का रेट रहता है। ये लिविंग रूम है। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है, हमें एक अलग ही एक्सपीरियंस है। डाल लेक में हमने हाउस बोट में रह के सुबह की जो नेचर ब्यूटी देखी वो हमने कहीं पे भी नहीं देखी। तो एक बार कश्मीर ज़रूर आइए और ये नेचर ब्यूटी को ज़रूर देखिए। थैंक यू भैया। इसे कश्मीरी कावा बोलते हैं। ये मॉर्निंग में ऐसे पीने से वन ऑफ द बेस्ट है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। Good for the strength power. Yes. Saffron. इसमें क्या क्या आता है? खाली इसमें इलायची, ये कश्मीरी कावा, ग्रीन इलायची और केसर से बना है। और कुछ?
बाजार में जो मिक्स एक मिलता है नहीं 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 नेचुरल इज नेचुरल अच्छा मसाला इज मसाला हमको मालूम ही नहीं किस चीज़ से बनाते किस चीज़ से नहीं बनाते जो जो आप पी रहे हैं अभी ये 100% प्योर और नेचुरल और यही ओरिजिनल है यही ओरिजिनल अब हम ट्रैवलर की बस में श्रीनगर के लोकल साइट सीन के लिए निकले हैं तो ये मुगलों के टाइम से बना हुआ मुगल गार्डन है हम लोग अखिल भारत जिसे साई समर्थ हॉलीडेज बोलते हैं तो वो ट्रैवल्स से आए हैं और इसमें मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए हैं जैसे एक फैमिली जैसा लगने लगा है तो अब हम सब साथ में ये गार्डन देख रहे हैं फोटो खींचते खींचते बजा बजते करते करते हम लोगों ने ये पूरा गार्डन देख लिया इतनी खूबसूरत ये तस्वीर है मौसम बेमिसाल बेनजीर है ये कश्मीर है ये कश्मीर है ये चेरी है ऐसे पेड़ पे फ्रेश फ्रेश चेरी देख के मौसम एशिया का लार्जेस्ट गार्डन है टुलिप गार्डन वो साल में सिर्फ 15-20 दिन के लिए ही ओपन होता है तो वो अप्रैल महीने में ओपन होता है अब हम श्रीनगर का फेमस गार्डन चश्मे शाही गार्डन में गए थे उसके बाद हम आदि शंकराचार्य जी का टेम्पल वहाँ पे गए वहाँ से पूरा कश्मीर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था पूरा डाल लेक वहाँ से दिख रहा था करीबन 2500 जितनी हाउस बोट और 3,000 से 4,000 जितना शिकारा वहाँ से दिख रहा था तो आदि शंकराचार्य जी के टेम्पल के दर्शन करें अब फाइनली हम ये लाल चौक एरिया में आ गए हैं और यहाँ पे इंडिया के फ्लैग की लाइटिंग देख के हमने बहुत ही प्राउड फील किया यहाँ मिलिट्री की गाड़ियाँ और थोड़ी थोड़ी जगह पे मिलिट्री वाले खड़े रहते हैं हमारे देश के लिए वो लोग क्या क्या करते हैं कोई शब्द ही नहीं मेरे पास जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय अब हम दूसरे दिन कश्मीरी पंडितों की कुड़देवी खीर भवानी के दर्शन के लिए निकले हैं माता जी के स्थापन के आजू बाजू में पूरा पानी है और यहाँ के पंडित जी ने हमें बताया कि ये पानी कोई भी मौसम हो कम नहीं होता उसको कितनी भी बार निकालो फिर भी ये इतने का इतना भर जाता है ये हमारे टूर के सब मेंबर्स हैं और ये हमारे टूर के मैनेजर मितेश भाई हैं मंदिर की एक जगह से हमें हमारा इंडिया का मैप दिखता था अब आगे हम सोनमार्ग गुलमर्ग पहलगाम और माता रानी वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे तो मेरी चैनल पे बने रहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो